मायावती की सुरक्षा कोई भेद नहीं सकता। मायावती के पास कोई फटक भी नहीं सकता। हेलीकॉप्टर से लेकर काफिले तक, सेफ हाउस से लेकर मंच तक, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ऐसे सुरक्षा घेरे में रहती हैं, जिसे तोड़ना तो दूर कोई तोड़ने की सोच भी नहीं सकता। आयरन लेडी के नाम से मशहूर बहन जी की सिक्योरिटी में बुलेट प्रूफ गाड़ियों से लेकर ब्लैक कैट कमांडोज तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होते हैं। बहन जी के आने से पहले ही सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे की तलाशी लेते हैं। हर संदिग्ध चीज को मेटल डिटेक्टर से जांचा जाता है। कोई लापरवाही ना रह जाए, इसके लिए बाकायदा स्नीफर डॉग्स का इस्तेमाल होता है। तो सुरक्षा का भी इंतजाम रखा जाता है ताकि सुरक्षा में कोई भी लापरवाही ना हो। आप देखेंगे स्नीफर डॉग्स जो हैं वो भी हैं, और सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो सब लोग आए हुए हैं। और जो ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी से बहन कुमारी मायावती जो है वो हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मंच तक पहुँचती हैं, और मंच को पूरा का पूरा एक तरीके से सिक्योर करने के लिए स्नीफर डॉग्स की मदद ली जाती है। वो उस मंच को सिक्योर करते हैं कि कोई विस्फोटक ना हो, कोई ऐसी सामग्री ना हो, कुछ ऐसी वारदात के बारे में अगर किसी ने साजिश की हो तो उसका पता चल सके। और जो भी ये रूम है, आसपास का जो भी परिसर है, उसका पूरी जो है बारीकी से जाँच की जाती है। जो सिक्योरिटी के लोग हैं, कमांडोज जो हैं वो देखते हैं, और इसी गाड़ी में बहन जी को एस्कॉर्ट करते हुए कमांडो जो हैं वो हेलीपैड से रैली स्थल तक लेकर पहुंचते हैं। मायावती के आने से पहले इस बात तक का ख्याल रखा जाता है कि वो कहां चलेंगी और कमांडोज कहां कहां खड़े होंगे। अब देखिए, उनको जो सुरक्षा अधिकारी हैं कमांडोज को, वो लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि कैसे बहन जी जो है वो मंच तक जाएंगी और उसका जो प्रोटोकॉल है उसका किस तरह से ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। वो पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल जो उसका पालन करना होता है, और सुरक्षा अधिकारी जो सीनियर अधिकारी हैं वो लोगों को समझाते हैं। देखिए, पैरों की मूवमेंट तक समझाई जा रही है कि किस तरह से आपको दूरी बना के रखनी है, कहाँ पर कौन खड़ा होगा, उसका जो है बारीकी से ये एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हालांकि ये ट्रेंड कमांडोज होते हैं, जो वीआईपी गेस्ट होते हैं उनको जो जेड प्लस या वाई प्लस की जो सिक्योरिटी मिलती है उसमें जो कमांडोज होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं, इक्विप्ड होते हैं, और बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ होते हैं, हथियार के साथ होते हैं, और पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ताकि वो एक दूसरे से संपर्क कर सकें, और कुछ भी इस तरह की अगर कोई उनको ज़रूरत हो तो एक दूसरे से मदद ले सकें। उसके बाकायदा यहाँ पर पूरी की पूरी एक तरीके की ड्रिल होती है, तैयारी की जाती है, और इसी गाड़ी से जो है बहन जी हेलीपैड से उतरने के बाद इस गाड़ी में सवार होकर यहाँ मंच तक पहुँचेंगे। और यही वो गाड़ी है जो हमने आगरा की रैली में भी देखी और गाज़ियाबाद की रैली में भी देखी। तो ये जो टाटा सफारी है, इसमें बहन जी जो हैं वो पहुंचती हैं और ये हर रैली स्थल पर पहुंच जाती है। मायावती यूपी की चार चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए उनके सियासी कद को देखते हुए उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है। उनकी सुरक्षा में करीब 10 ब्लैक कमांडोज हमेशा तैनात रहते हैं। कमांडोज के अलावा करीब 45 सुरक्षा कर्मी भी उनके इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा बनाए रखते हैं। बहन जी हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी से ही सफर करती हैं। इस कमांडो के हाथ में चमड़े का ये बैग देखकर आप सोच रहे होंगे कि इसमें भला क्या होता है और कमांडो हमेशा इसे अपने साथ क्यों रखता है, लेकिन असल में ये कोई बैग है ही नहीं बल्कि एक बुलेट प्रूफ शील्ड है। जरूरत पड़ने पर पलक झपकते ही ये बैग एक ऐसी बुलेट प्रूफ शील्ड बन जाता है जिससे उस नेता की सुरक्षा की जा सकती है जिसकी सुरक्षा में ये गार्ड लगे हैं। मायावती की सुरक्षा में लगे कमांडो एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से होते हैं। ये कमांडो किसी भी हमले से निपटने के लिए हर तरह से तैयार होते हैं। इनके पास ऑटोमेटिक मशीन गन से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम तक तमाम जरूरी उपकरण होते हैं। इनकी बिल्ली जैसी फुर्ती और दुश्मन को पल भर में ढेर कर देने की जबरदस्त काबिलियत के कारण ही इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज कहा जाता है। ये हेलीपैड पे लैंड करता हुआ हेलीकॉप्टर जिसके अंदर है बसपा अध्यक्ष मायावती। ये देखिए, उनकी सिक्योरिटी का जो काफिला है वो पहुंच चुका है, जो उनके कमांडोज जो उनकी सिक्योरिटी में लगे होते हैं वो अपने हथियार के साथ पहुंच चुके हैं। पूरी व्यवस्था सुरक्षा की चाक चौबंद है। हेलीकॉप्टर से बाहर आते हुए बाहर आ रही हैं बहन जी।
हेलीपैड से बाहर आई हैं और गाड़ी में अभी वो सवार होंगी, गाड़ी में सवार होंगी और हमेशा की तरह वो अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए उन्होंने गाड़ी के तरफ आते हुए पीछे अभिवादन किया, हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का, समर्थकों ने यहाँ पर उनकी जयकार लगाई, उनके सम्मान में नारे लगाए और अभी बसपा सुप्रीमो मायावती जो हैं वो गाड़ी में सवार हो गई हैं, हेलीकॉप्टर से उतरकर गाड़ी में सवार हुई और गाड़ी आप देखेंगे तो अभी आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है, उसको सिक्योरिटी जो कमांडो फोर्स है वो उसको सिक्योरिटी देते हैं, लगातार उसके साथ साथ वॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से बहन जी की जो एंट्री आप देखेंगे गाड़ी में, बहन जी जो है वो सवार हैं। मायावती का हेलीकॉप्टर जिस जगह लैंड करता है उसे दर्जनों पुलिस वाले घेरे में ले लेते हैं। हेलीकॉप्टर के आने से पहले एनएसजी कमांडो हेलीपैड पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही बहन जी हेलीकॉप्टर से उतरती हैं, उन्हें तुरंत बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठाया जाता है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है वैसे वैसे एनएसजी कमांडोज गाड़ी के साथ साथ दौड़ते हैं। मंच के पास ही बहन जी के लिए रेस्ट रूम बनाया जाता है जहाँ सिर्फ बहन जी की ही एंट्री होती है। यहाँ से निकलने के बाद मायावती सीधे मंच की ओर बढ़ती हैं। स्टेज पर बहन जी के अलावा सिर्फ उनके पर्सनल स्टाफ और एनएसजी कमांडोज की ही एंट्री होती है। बहन जी के अलावा सिर्फ चंद लोग ही मंच पर चढ़ सकते हैं। इसी मंच से होते जो बहन जी हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं और इस मंच से यहाँ से वो आप देखें नज़ारा, अगर आप इस मंच का देखेंगे तो इसी मंच से बहन जी का पूरा भाषण होता है। तो मोहित ये मंच आप दिखाएं पूरा, इस तरह से यहाँ इंतजाम है। पीछे जो है वो एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर बहन जी की तस्वीर है और जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें हैं और ये यहाँ पर जो हैं बहन जी के बारे में बताया गया है, रैली के बारे में बताया गया है और ये वो एक तरीके का पोडियम है जहाँ से बहन जी जो हैं वो भाषण देने वाली हैं, ये इंतजाम किए गए हैं। और सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो रैली का पूरा जो है इंतजाम होता है, जो लोग बैठ जाते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है कि यहाँ से जो रैली के ग्राउंड में बैठने वाले जो लोग हैं उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस रहे, उसका ख्याल रखा जाता है और उसकी तरफ जो पोडियम पे लोग हैं वो वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ उनको सुनते हैं। और इस तरफ जिसकी मैं जिक्र कर रहा था मोहित, अगर आप दिखाएं तो वहाँ पर जो है एक पंडाल बनाया जाता है जिसमें बसपा के जो मुरादाबाद मंडल के जो प्रत्याशी हैं वो लोग वहाँ पर बैठेंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि बहन जी जब मंच पर आएँ तो बहन जी के अलावा बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ना हो, जो उनके सिक्योरिटी के लोग होते हैं या जो बहुत उनके करीबी लोग होते हैं वही मंच तक उनकी एंट्री होती है, बाकी लोगों की एंट्री नहीं होती है। वहाँ से जो हैं वो सीधे जो प्रत्याशी हैं वो लोग वहाँ पर बैठते हैं और बाकी जो लोग हैं वो पंडाल में रहते हैं और वहीं से पूरी की पूरी रैली का जो बहन जी जो संबोधन करती हैं उसको सुनते हैं। जब बहन जी भाषण देती हैं तो कमांडोज उनके पीछे मुस्तैदी से खड़े रहते हैं। ये कमांडो हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखते हैं, यानी बहन जी के पास ना ही कोई व्यक्ति पहुंच सकता है और ना ही कोई चीज। भाषण खत्म होने के बाद बहन जी को बुलेट प्रूफ गाड़ी से हेलीपैड तक लाया जाता है। इस दौरान भी गाड़ी सुरक्षा घेरे में ही रहती है। जहाँ हेलीपैड होता है उस जगह पर सुरक्षा का अभेद चक्र बनाया जाता है, पहले पुलिस का घेरा और फिर कमांडोज का, यानी कोई हेलीपैड तक फटक भी नहीं सकता। हेलीपैड के पास किसी भी हादसे से निपटने के लिए एक एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमेशा तैयार रहती है। जब तक बहन जी का उड़न खटोला आसमान में नहीं पहुंच जाता तब तक सुरक्षा कर्मी बहन जी की सुरक्षा में कोई ढील नहीं देते। और ये हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, यहाँ से हेलीकॉप्टर जो है ऊपर उठ चुका है और पोजीशन ली है हेलीकॉप्टर ने उठने के लिए। बहन जी जो है बैठी हुई हैं अंदर और ये हेलीकॉप्टर जो है अब यहाँ से उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार, आसमान की तरफ जाते हुए और समर्थक उन्हें चीयर अप करते हुए। बसपा सुप्रीमो मायावती का जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान भर चुका है। मायावती इतने बड़े सुरक्षा घेरे में रहती हैं, इसलिए अक्सर किसी दूर दराज के इलाके में जाना या कहीं सड़क मार्ग से दौरा करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मायावती के दुश्मन भी बहुत हैं और हमेशा खतरा भी बना रहता है, लेकिन बहन जी की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी हर पल मुस्तैदी से उनकी हिफाजत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।